प्रदेश झांसी में गणेश विसर्जन के दौरान जयकारे लगाने, गुलाल उड़ाने को लेकर दो समुदाय के बीच झगड़ा हो गया। करीब 15 मिनट तक खूब लात घुसे चले, महिलाओं को भी कीचड़ में गिराकर पीटा गया, 6 लोग घायल हो गए। श्री राम के नारे लगाते हुए कई हिंदू संगठन थाने पहुंच गए और नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए। मारपीट करने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। झांसी की मौत कोतवाल इलाके के मदारगंज मोहल्ले में दो समुदाय के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। वीडियो में लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित मुन्नालाल ने बताया, जब वो गणपति की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे तब विशेष समुदाय के लोगों ने रोक टोक की। फिर जब वापस आए तो उन लोगों ने एक राय होकर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं विशेष समुदाय के उवेश ने बताया, उसके पड़ोसी उसके जीजाजी के साथ मारपीट कर रहे थे। वो लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो उन लोगों ने हम पर भी हमला कर दिया, जिसमें हमारे परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में SP देहात गोपीनाथ सोनी ने बताया, मोड़ थाना क्षेत्र में शाम के वक्त मुन्नालाल रायकवार उनके पड़ोसी शाहिद से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, मारपीट हुई, दूसरे पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, केस दर्ज किया जा रहा है। रायकवार पक्ष के लोग मूर्ति विसर्जन कर लौट आए थे, इसके बाद इनकी मारपीट हुई। देवेश प्रताप सिंह राठौर। सर, थाना मोड़ का क्या मामला है? थाना मोड़ में आज शाम के समय 6:30 के आसपास मुन्ना रायकवार और उनके पड़ोसी शाहिद, जो अपने ससुराल में रहता है, किसी बात को लेकर इनका विवाद हो गया, जिससे दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हैं, तो घायल का इलाज किया गया है और दूसरे पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और इसमें जो बात जांच में ये आई है कि इसमें मूर्ति विसर्जन को लेकर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि वो मूर्ति विसर्जन करके लौट आए थे, घर में बैठे हुए थे, उसके बाद किसी बात को लेकर इनकी मारपीट हुई है।